चलो सत श्री अकाल सारियां नू। आई होप कि तुसी सारे अपने घरां दे विच हो एंड सोशल डिस्टेंसिंग दा रूल फॉलो कर रहे हो एंड आई होप कि सारे सेफ है घरां दे विच रह के। ਆਪਾਂ थोड़ी देर से अपना सैशन स्टार्ट करांगे। आई एम वेटिंग कि साना होर सारे व्यूअर्स ज्वाइन करन एंड दैन वील स्टार्ट विद द सैशन। बस थोड़ी जी होर वेट। असी दो पेजिस तो लाइव हो रहे हैं, इंस्टाग्राम ते मिसिस पंजाब के पेज तो एंड फेसबुक ते मिसिस पंजाब के पेज तो। चलो हुण आप अपना सैशन स्टार्ट करते बिकॉज असी दोनों साइड तो लाइव हो चुके हैं एंड मेरे ख्याल नाल काफ़ी व्यूअर्स सानू ज्वाइन कर चुके हैं। मैं अपने आप को पहला सब तो पहले इंट्रोड्यूस करना चाहवांगी। मैं हाँ डॉक्टर पर्लप्रीत कौर, मिसिस पंजाब यूनिवर्स 2019। तो मैं अपनी इंट्रोडक्शन कुछ इस तरह देना चाहवांगी। मैं हाँ धी पंजाब दी, मेरा सोने वर्गा रंग, गिद्दिया विच दंद नचदी, मैं उड्डा वांग पतंग, सुभा दी मैं चंगी हाँ, पर्ल है नाम मेरा, मेरी हर अदा विच संग। इस इंट्रोडक्शन नाल मैं मिसिस पंजाब का जी जर्नी है वह स्टार्ट किया। सो आई थॉट कि अज मैं लाइव हो रही हाँ मिसिस पंजाब के पेज तो एंड मैं इसी इंट्रोडक्शन ना थोड़े सारे अपने ना रूबरू करवाना चाहती हाँ। हुण मैं थानू अपने बारे अपनी जर्नी बारे सारा कुछ दसना चाहती हाँ कि मैं किद्दां मेरे ड्रीम किद्दां बनिया कि मैं मिसिस पंजाब विच पार्ट लैना है। तो मैं इस तो इलावा होर की कुछ किया हुआ है एंड मैं बाय प्रोफेशन मेरा प्रोफेशन की है। तो मैं ये जरा सैशन होगा आप बहुत इंटरैक्टिव सैशन बनाया थोड़े सारे लिए, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत सारे टिप्स तो देवांगे अज एंड बहुत सारी मोटिवेशन ना तुसी इस सैशन तो बाद तुसी बहुत सारी मोटिवेशन साढ़े तो लैके जाओगे। जिवें छोटे होंदे हर कुड़ी का ख्वाब होंदा है ना कि मैं कोई क्राउन जितना है, मैं कुछ लाइफ विच टाइटल जितना है, उदा ही मेरा भी छोटे होंदे तो एक छोटा जा ख्वाब सीगा कि मैं क्राउन जितना है। तो बैक ऑफ द माइंड मेरा हमेशा तो ही ये ड्रीम रहा है कि मैं लाइफ विच कोई ना कोई टाइटल जरूर जितना है। बट मैं फिर स्टडीज़ विच बहुत ज़्यादा मैं पढ़ाकू होंदी सी, तो आई वॉज वेरी गुड इन अकैडमिक्स इवन। तो मैं स्टडीज़ के नाल नाल मैं एक्स्ट्रा कोकुरिकुलर एक्टिविटीज़ जी होंदी है, कल्चरल एक्टिविटीज़ होंदियाँ, उहदे भी पार्टिसिपेट करती रहती सी। तो मैं स्कूल टाइम से भी टॉपर रही हाँ। तो इस तो बाद फिर मैं मैडिकल फील्ड विच आ गई एंड आई डिड माई ग्रैजुएशन फ्रॉम बेस्ट कॉलेज ऑफ पंजाब जिहड़ा कि गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज अमृतसर है एंड उत्थे भी मैं गोल्ड मैडलिस्ट रही हाँ। बट मैं तुहानूं पहले भी क्या मेरे दिमाग से शुरू तो एक सीगा कि मैं टाइटल जरूर जितना है। तो मैं स्टडीज़ के नाल बाकी चीज़ों को भी प्रायोरिटी पर ही रखा एंड मैं बैलेंस मेनटेन करके रखा एंड मैं बाकी सारी चीज़ों पर भी फोकस किया जिवें बाकी सारी एक्टिविटीज़ होंदी है। मैं शुरू तो क्रिएटिव रही हाँ, मैं बहुत सारी क्रिएटिव वर्क किया है, बहुत मैं कल्चरल एक्टिविटी से पार्टिसिपेट किया है, भंगड़ा हो गया, गिद्धा हो गया, तो ये सारी चीज़ा जिहड़ियां जिवें मैं कहंदी ऑलराउंडर रहना चाहिए। ये सारी चीज़ा ने मैनू ऑलराउंडर बनाया एंड ये सारी चीज़ा ने मेरी परसनैलिटी नू एक न्यू जिवें कहंदे ने निखार के लैके आई, एक न्यू डायरैक्शन दित्ती, एक न्यू नवे तरीके दा एक परसनैलिटी नू मेरे निखार मिले। तो मैं समझदी हाँ कि मैनू पढ़ाई दे नाल जिहड़ी ये सारी चीज़ा है इन्होंने मैनू खुशी भी दित्ती है तो मेरी परसनैलिटी नू एक निखारिया भी है। तो मैं अपनी अचीवमेंट्स की जो गल करा तो मैं अकैडमिक्स के नाल एक शॉर्ट मूवी चुला अमृत की बूंद भी की है एंड मैं मिस्टर एंड मिस नॉर्थ इंडिया ग्लैमर विच भी पार्ट लिया। फिर ग्रैजुएशन कंप्लीट हुई, ग्रैजुएशन तो बाद मेरा विआह हो गया बट मेरे जे दिमाग विच सी ना वो कि मैं टाइटल जितना है, मैं क्राउन जितना है, मैं वो ड्रीम हमेशा अपना बरकरार रखा, कदे उहनूं खत्म नहीं होने दिता एंड बाय गॉड्स ग्रेस मैं अपने आप को लकी इन्ना समझती है कि जी मेरी पेरेंटल फैमिली है, जी मेरी इन लॉज साइड वाली फैमिली है, मैनू कोई फर्क नहीं लगता, मतलब बिल्कुल ही जिवें कहते हैं ना कि सेम टू सेम है। मैंने इन्ना सपोर्ट किया, इन्ने ब्रॉड थिंकिंग वाले है, तो मेरे हसबेंड दमन बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव सी एंड उन्होंने मैनू कहा कि फिर क्या हो गया जी, मैरिज होगी, यू कैन डू इट नाउ इवन। इस करके फिर मैं मिसिस पंजाब विच पार्ट लिया एंड मैं अपनी दोनों फैमिली से सपोर्ट नाल, हार्डवर्क नाल, विद गॉड्स ग्रेस मैं मिसिस पंजाब का टाइटल विन किया एंड आई एम विनर ऑफ मिसिस पंजाब 2019। तो मैनू फिर ये प्लेटफॉर्म जिहड़ा है बहुत ही खूबसूरत प्लेटफॉर्म है मिसिस पंजाब का एंड मैनू लगता है कि जिन्नी भी मैरिड विमेन है उन्होंने अपनी जी अंदर की क्वालिटीज है उन्होंने दबा के नहीं रखना चाहिए। इनफैक्ट ब्याह तो बाद भी तुसी अपनी क्वालिटीज नू बाहर लेके आ सकते हो, अपना जिहड़ा तुसी हुनर है वो लोगों सामने दिखा सकते हो एंड अपनी आइडेंटिटी मेनटेन करके रख सकते हो सोसाइटी दे विच। ते मैनू लगता है कि प्लेटफॉर्म बहुत सोहना है मैरिड विमेन लिए जिहड़े कि अपने जिन्होंने लगता है कि सारे ड्रीम्स फुलफिल नहीं हो पाए तो ब्याह तो बाद भी इस प्लेटफॉर्म पर आके अपने आप को प्रूव कर सकते हैं कि असी किसी तो घट नहीं है। मैं अपना ऑडिशन अमृतसर विच दिता सी एंड मैनू हले भी याद है कि आई वॉज सो नर्वस। तो मेरे हसबैंड मैनू मतलब इन्ना सपोर्ट किया उन्होंने कि ही डिडंट कम टू ऑडिशन बट वो सारा टाइम गोल्डन टेम्पल रहे एंड ही वॉज डूइंग परिक्रमा कि वो जित के आवे एंड आई फील सो लकी। कि मैं थोड़े सारे में मैसेज भी देना चाहती है कि अपनी नुआं नू अपनी तियां वांग समझो, उन्होंने भी ड्रीम्स होंदे है, उन्होंने भी ख्वाब होंदे है कि वो भी लाइफ 'च कुछ करन। जिवें तुसी अपनी तियां नू सपोर्ट करदे हो, उन्होंने अगे वधन का मौका दिंदे हो, उवें अपनी नुआं नू भी अगे वधन का मौका दो एंड आई फील सो लकी कि मैनू इन्ना सपोर्टिव सोलमेट मिला, इन्नी सपोर्टिव फैमिली मिली, मैंने कोई फर्क ही नहीं लग गया एंड उस दिन आई वॉज डिक्लेयर फर्स्ट रनर अप। आई कुडंट विन एट दैट टाइम बट उन्होंने मैंने कहा कि पर्ल घबराना नहीं, यू हैव थोड़े अगे बहुत वड्डा एक होर ग्राउंड पिया होया है एंड आई फील सो लकी कि मैनू इन्नी ज़्यादा मोटिवेशन मिली कि मैं फाइनल्स विच सैमीफाइनल्स क्लीयर किया, दैन आई वेंट टू फाइनल्स एंड दोनों फैमिली से सपोर्ट नाल, गॉड दी ग्रेस दे नाल एंड हार्डवर्क दे नाल आई वन द कॉम्पीटिशन। ते ये सी मेरी स्टोरी, ये सी मेरी जर्नी जिहड़ी मिसेज पंजाब दी रही है एंड मैं मेरा सारी लेडीज़ नू एक मैसेज देना मैं चाहती हाँ कि अगर तुहाडे अंदर विल है, अगर तुहाडे अंदर एक चाहत है कि यस यू वांट टू डू समथिंग एंड यू फील दैट यू कैन डू समथिंग, तो तुसी जरूर कर सकते हो। तो ए बी से कोई भी सिचुएशन है वो मैटर नहीं करती, बस एक चाहत होनी चाहिए है तो तुसी कुछ भी हासिल कर सकते हो। तो मेरे अकॉर्डिंगली जिहड़ा पेशेंस है, जिहड़ा सैक्रीफाइस करने की एबिलिटी है, जिहड़ा इंटलैक्ट है एंड जिन्नी स्ट्रेंथ वुमेन विच होंदी है वो घट ही होर किसी विच हुंदी है। वुमेन इन्नी ज़्यादा स्ट्रोंग हुंदी है, बस फर्क इन्ना है वो अपने आप नूं पहचानदियां नहीं है, अपने हुनर नूं इंपोर्टेंस नहीं दिंदी, अपने हुनर नूं दबा के रख लैंदी है। तो इट्स अ वेरी हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि ऐदा ना करो, क्योंकि लाइफ एक बार मिलनी है, बाद चो फिर रिग्रैट होंदा कि काश उस टाइम असी कुछ कर लेंदे अपने आप लिए, काश फिर वो काश इन्ना चुभदा है ना अंदर। इस करके एज कोई लिमिट नहीं है, जब भी तुहानू फील होवे कि यस यू वांट टू डू समथिंग करो, अपने आप लिए कुछ ना कुछ करो। तो ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, जिन्होंने भी लगता है कि उन्होंने अपने आप को नहीं प्रूव कर पाए, अपना टैलेंट नहीं शो कर पाए, आई थिंक दिस इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म कि तुसी आके अपने आप को प्रूव कर सकते, शो कर सकते हो। इस तो इलावा मैं सारे पेरेंट्स नूं एक मैसेज देना चाहती हाँ कि मुंडे कुड़ी विच कोई फर्क ना रखो। पेरेंट्स तो ही बच्चों की परसनैलिटी शो होंदी है, पेरेंट्स तो ही बच्चों की बच्चे जिहड़े है पेरेंट्स नूं ही रिफ्लैक्ट करते हैं। इस करके जिन्ने तुसी ब्रॉड माइंडेड होवोगे, जिन्ना तुसी संस्कार अपने बच्चों नूं दवोगे, जे तुसी मतलब बच्चों ते जिन्नी इन्वेस्टमेंट करोगे उन्ने ही तुहाडे बच्चे वधिया निकलणगे, अगे जाके उन्ना ही साडा समाज वधिया होएगा। ते तियां उत्ते भी इन्वेस्ट करो, क्योंकि मैनूं लगदा है कि तियां पुत्तां नालों घट नहीं हुंदियां। इनफैक्ट जिहड़ी तियां हुंदी है आई थिंक सो कि ओह ज़्यादा अपने पेरेंट्स नूं समझदी है, उन्हां नूं ज़्यादा फील करदी है, ज़्यादा साथ निभांदी है। ते मेरा आई मैसेज है सारिआं नूं कि सपोर्ट करो फीमेल्स नूं, उन्हां विच इन्वेस्ट करो, उन्हां दी स्टडीज इन्वेस्ट करो, उन्हां दी क्वालिटीज इन्वेस्ट करो, ताकि अगे जाके अपने आप लिए, अपने समाज लिए कुछ कर सकन। एंड यही सारी क्वालिटीज, यही सारी थिंकिंग मैनूं मेरे पेरेंट्स तो मिली है, जिहड़ी मैं तुहाडे सारिआं नाल शेयर करना चाहती है। इसी करके मैं अपने आप नाल अपने अंदर जिहड़ी क्वालिटीज है उन्होंने पहचानिया, उन्होंने इंपोर्टेंस दी, इसी करके क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मैनूं चीज़ां सिखाई हैं। एंड मैं सारिआं नूं भी कहना चाहती हाँ कि जिहड़ी फीमेल्स है वो भी अपने लिए खुद स्टैंड लवो, अपने पढ़ाई करो, कुछ ना कुछ लाइफ में जरूर करो, ताकि क्योंकि तुसी ही अगे जाके अपने बच्चों नूं इन्फॉर्मेशन देनी है, पढ़ाना है, उन्होंने संस्कार देने है। तुहाडे हथ विच ही है कि आने वाली पीढ़ी साडी किद्दां दी होएगी। अगर तुसी ज़्यादा मतलब छोटी सोचते होवोगे, वही सोच तुहाडे बच्चों विच आएगी, अगे पास ऑन हुंदी रहेगी। साडा समाज इन्ना ब्रॉड माइंडेड नहीं होएगा, इन्ना सोना नहीं सिरजेगा। तो फीमेल्स नूं रिक्वेस्ट है कि तुसी प्रोडक्टिव करो, कुछ ना कुछ चंगी सोच रखो एंड वही सोच अपने बच्चों विच पाओ, ताकि वो अगे जाके एक अच्छा समाज साडे लिए बनान। ते हुण मैं गल करना चाहांगी वुमेन एम्पावरमेंट बारे। बहुत सारी गल्लां हुंदियां कि अजकल हर कोई कोई टॉपिक लेके बैठा है, वुमेन एम्पावरमेंट वुमेन एम्पावरमेंट। किसी नूं इहदा एक्चुअल मीनिंग पता है, एक्चुअली ये हुंदा की है, एक्चुअली मतलब वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब की है। ਆਪਾਂ देखते हैं कि कोई भी औरत अगर कुछ लाइफ च करती है, कोई नाम बनाती है, वो कोई चढ़त होंगी तो बाकी जी औरत है उन्होंने देख के सड़न गया। ये 110% श्योरिटी है, किसी मैं खुद देखा होया है। सारे उन्होंने देख के जैलस फील करते हैं, क्यों? या तो उन्होंने तक पहुँच नहीं सकती, या फिर उन्होंने इनफीरियोरिटी कंपलैक्स आ जाता है, या फिर वो कंपैरिजन पर आ जाती है। ये वुमेन एम्पावरमेंट नहीं है। वुमेन एम्पावरमेंट ये है कि अगर एक औरत दूसरी औरत को चढ़ते हुए देख के खुश होवे और तो कुछ सीखे, उन्होंने होर प्रॉम्प्ट करे, होर चढ़न लई उन्होंने होर स्ट्रोंग बनावे, होर उन्होंने प्रॉम्प्ट करे। ये विमेन एम्पावरमेंट है। इस करके अगर तुसी यूनाइटेड नहीं रहोगे तो हाउ कैन यू एक्सपैक्ट मैन टू रिस्पैक्ट यू? तुसी खुद यूनाइटेड रहो, खुद एक दूजे को हौसला दवो, खुद एक दूजे को उपर चढ़न लई हेल्प करो, एक दूजे तो सीखो, एक यूनिटी बनाओ, ता ही विमेन एम्पावरमेंट का असली जिहड़ा मीनिंग है वो फुलफिल होएगा। तो ऐदा ही मैं मेरी कजन है उन्हें मिसिस पंजाब विच पार्ट लिया सी एंड शी वन द टाइटल ऑफ मिसिस जलंधर तिवजोत कौर। उन्हें मैनू इन्ना इंस्पायर किया, उन्हें मैनू इन्नी गाइडलाइंस मैनू दसिया, उन्हें मैनू इन्ना इंस्पायर किया कि पल तेनू कुछ भी चाहिए कोई भी क्वेश्चन आंसर चाहिए आई एम देयर फॉर यू। तो मैंने 10 मैं तेन होर अगे बतानी, तेन मैं टिप्स दसांगी सब कुछ। इनू कहंदे विमेन एम्पावरमेंट वैन यू हेल्प ईच अदर, कि तुसी अगे वधो। तो मैं सारे फीमेल्स नू आई मैसेज है कि कुछ अपने आप लई करो, कुछ बच्चों लई करो, बच्चों नू वधिया सिक्ख्या दो, ताकि जिहड़ा साडा अगे आने वाला समाज है वो बहुत ही सोहना होवे, जिहड़ी भी पुरानियां जिहड़ी थोड़ी कुरीतियां सीगियां ओहदे तो मुक्त होवे। तुसी एक दूजे नू रिस्पैक्ट दो, तभी सारे जीने तुहाडी खुद दी रिस्पैक्ट करनगे, सारे जीने सारे मैन भी तुहाडी रिस्पैक्ट करनगे। ते मैं तुहानू कुछ अज टिप्स दसांगी, इंटरैक्टिव सैशन होएगा, बहुत सारी असीं गल्लां करांगे। तुहानू मैं कितना पॉजिटिव रहना है, कितना अपने आप नू मोटिवेट करना है, अपना लाइफस्टाइल कितना चेंज करना है, मैं बहुत कुछ तुहाडे नाल इंटरैक्ट अज करांगी। ਇਹ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਮੈਸੇਜ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਮਨ ਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੂਲਸ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪਿੱਛੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ ਸੋਚਣ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਗ੍ਰੈਂਡਮਦਰ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਐਨਸੈਸਟਰ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। आजकल इन्नी सभी सारे के अंदर कलयुग है, इन्नी ज़्यादा नेगेटिविटी हो गई है, इन्नी भज दौड़ हो गई है, इन्ना मतलब पैसे के पिछे इन्नी दौड़ हो गई है, कंपैरिजन इन्ना आ गया, ओदे को लेना है मेरे को लेना है, तो ओदे मगर भजन ही लोग इन्ने ज़्यादा पागल हो चुके हैं कि वो एक्चुअल मीनिंग ऑफ लाइफ जो भुल चुके हैं। एंड अपना लाइफ स्टाइल इन्ना चक्कर पिछे इन्ना खराब कर लिया, भज्जी जा रहे, ना खुद नू टाइम दिता, ना रब नू टाइम दिता, ना नेचर नाल जुड़े, कुछ नहीं किया। एंड वो सारी चीज़ा करके अज असीं इत्थे खड़े हाँ। इस करके अगर आप इस सिचुएशन में इत्थे आके खड़े हाँ तो कुछ ना कुछ साड़ियाँ गलतियाँ रहियां हैं जिन्हां नू सानू फोकस करना चाहिए इस टाइम ते, एंड अपना जिहड़ा लाइफ स्टाइल सुधारना चाहिए ताकि असी बेटर वर्जन ऑफ ह्यूमन बीइंग बन सकी, ताकि आप इन्होंने चीज़ों तो बाहर निकल सकी, एंड जी असली मीनिंग है लाइफ की उन्होंने आप देख सकी की है, एंड उदा आप जी सकी। इसलिए मैं थोड़े सारे नाल कुछ टिप्स शेयर करांगी कि कोविड-19 एक्चुअल से है कि आप तो किदा पॉजिटिव लॉकडाउन कि पॉजिटिव वे नाल आप स्पेंड कर सकते हैं, किदा आप पॉजिटिवनेस लेके जा सकते हैं, किदा आप एक बेटर वर्जन ऑफ ह्यूमन बीइंग बन सकते हैं। तो सब तो पहला तो सारे नू पता है कि एक बहुत कंटेजियस वायरस है जिसका कि हले तक कोई क्योर नहीं होया है, तो एदा क्योर इस टाइम तो एको ही है कि प्रिवेंशन इज दी ओनली क्योर। इनू आप प्रिवेंट ही कर सकते हैं, तो होर हले कोई क्योर नहीं है। तो प्रिवेंट इनू करने लिए सब तो वड्डी चीज़ है कि इम्यूनिटी साडी स्ट्रोंग होनी चाहिए। इम्यूनिटी स्ट्रोंग करने लिए सानू साडा सारा लाइफ स्टाइल जिहड़ा हुणे तक असीं इन्ना खराब कर लिया उन्होंने ठीक करना, उन्होंने किद्दां आपां ठीक कर सकते हैं, साडा जिहड़ा खाण पीण ठीक करके, साडा सोन दा जिहड़ा स्लीपिंग साइकल है उन्होंने ठीक करके, मैडिटेट करके, एंड जिहड़ा भी साडा सवेर तो लैके शाम तक का लाइफ स्टाइल है उन्होंने जिहड़ा है आपां किद्दां पूरा दिन बतीत करते, ये सारा लाइफ स्टाइल नू ठीक करके ही साडी इम्यूनिटी स्ट्रोंग होएगी, एंड आपां बेटर वर्जन ऑफ ह्यूमन बीइंग बन सकते हैं, इस चीज़ तो आपां बाहर आ सकते हैं। तो सब तो पहला मैं तुहानू अगर खाण पीण दी गल्लां करां, जे मैं मिसिस पंजाब के पेज तो लाइव होई हाँ तो मैं मिसिस पंजाब यूनीवर्स हाँ, तो मैं कहना चाहती है कि साडा विरसा साडा गौरव, सानू पंजाबीयत ते मान होना चाहिए। असीं इन्ने ब्लैस्ड हाँ कि जिहड़ा साडा पंजाबी फूड है, पंजाबी रसोई है, वो इटसेल्फ ही उहदे विच इन्ना कुछ अवेलेबल है जिहड़ी तुहाडी इम्यूनिटी नू स्ट्रोंग करता है। जिहड़ा साडा पंजाबी तड़का है जिहदे विच प्याज हो गए, लसन हो गए, अदरक हो गया, हल्दी हो गया, कलौंजी हो गया, ये सारी चीज़ा थोड़ी इम्यूनिटी को बूस्ट कर दिया। ये सारी चीज़ा जी है एंटी इन्फ्लामेटरी है। कोई भी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन होती है, कोई भी ਤੁਹਾਡੇ अंदर इन्फ्लामेशन है, कुछ भी सोज है, सारी चीज़ा थोड़े शरीर ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੀ ਹੈ एंड ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ सिस्टम है ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਨ करके रखती है। तो पंजाबी रसोई ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਾਦੀ ਮਮਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ कि घर का खाना खाया करो, ਜਿਹੜੇ उस टाइम तो ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ कि तड़के ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਇਆ करो। ये सारिया ਜਿਹੜੀ ਦਾਦੀ ਮਮਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, मेरे घर भी ਦਾਦੀ ਮਮਾ ਉਹ भी ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ वो सारी चीज़ा खानिया चाहिए हैं। वो सारी चीज़ा ही थोड़ी इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं। असं वो चीज़ा तो दूर होंगे गए तो वो टाइम आ गया जो रब कहते से कनैक्टिड टू योर रूट्स। अपने रूट्स ना कनैक्टिड रहो, अपने पंजाबी विरसे ना कनैक्टिड रहो, ये सारी चीज़ा ना कनैक्टिड रहोगे तो तुसी तंदुरुस्त रहोगे। वड्डियां ने कुछ चीज़ा साडे लिए रखी है, कुछ चीज़ा सानू सिखाई है, उसदे पिछे कोई ना कोई रीजन है एंड वी शुड ऑल थिंक अबाउट इट। ते पंजाबी रसोई विच जे आपां गल करिए दालां दियां ओह कितनी हेल्दी है। रोटी दी कनक दी रोटी दी अगर तुसीं खांदे हो तो उहदे विच तुसीं अजवैन डाल के खाओ, वो किन्ना इम्यूनिटी नूं बूस्ट करदा। ये सारी चीज़ां जिहड़ी साडी पंजाबी रसोई विच अवेलेबल है। इस तो इलावा तुसीं ज़्यादा तो ज़्यादा पानी पियो। पानी तुसीं किसी भी फॉर्म विच लै सकदे हो जिहड़ा तुहानूं सूट करदा है, बट मेक श्योर कि तुसीं ज़्यादा तो ज़्यादा पानी पी रहे हो। आजकल तुसी कलौंजी वाला पानी पी सकते हो या ग्रीन टी ले सकते हो, इम्यूनिटी टी ले सकते हो, तुहाडी विश है, बट मेक श्योर दैट यू ड्रिंक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर। तो जेडे सब्जियां या फिर फ्रूट्स विच ज़्यादा तो ज़्यादा विटामिन सी तुहानू मिलता है वो कंज्यूम करो। विटामिन सी आजकल जेडे सीजनल फ्रूट्स है जिवें वाटरमेलन हो गया, मैंगो हो गया। वाटरमेलन बारे में तुहानू दसना चाहती हाँ कि इटसेल्फ ही एक पूरा मील है। जो वाइट पोर्शन होंगे वो एज अ वेजिटेबल यूज होंगे, जो रेड पोर्शन होंगे वो एज अ फ्रूट यूज होंगे, जो सीड्स होंगे वो एज अ ड्राई फ्रूट की तरह उन्हें कंज्यूम करते हैं। तो इटसेल्फ एक मील है। तो उन्हें तुम स्मूदी के फॉर्म में ले सकते हो। स्मूदीज में आजकल जिवें लैमन आ रहा है, पुदीना आ रहा है, अदरक है, लहसुन है, ये सारी चीज़ा डाल के पियोगे। एक तो पहली गल तो इकनोमिकल है सारी चीज़ा। आजकल जिवें लॉकडाउन फाइनैशियली जिवें काम रुके हुए हैं, थोड़ी प्रॉब्लम आती है सारे को, तो सारी इकनोमिकल चीज़ा है। सैकेंडली ना ही अकेली थोड़ी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, बट नाल दी नाल थोड़े अंदर कोई भी बॉडी के अंदर कोई भी डिजीज़ है उन्होंने क्योर करने से हेल्प करती है। क्यों? क्योंकि ये सारी बॉडी के टॉक्सिन्स को बाहर करती है। ये ओवरऑल जी थोड़ी बॉडी की इम्यूनिटी को इंक्रीज करती है। तो होर भी बीमारियां तो तुसी इन्ना ये चीज़ा अगर तुसी कंज्यूम करोगे तो बच सकते हो। इस करके ज़्यादा तो ज़्यादा पानी पियो, ज़्यादा तो ज़्यादा विटामिन सी वाली चीज़ा कंज्यूम करो। तो जेडे साडे पेशेंट्स है, जेडे बाहर है, जेडे अच्छे लाइव देख रहे हैं सानू, तो जिवें जेडे कोल्ड कंट्रीज है जिन्हां ते हुणे विंटर्स चल रही है, जिवें ऑस्ट्रेलिया होगी, तो वो तुसी पानी विच हल्दी, कच्ची हल्दी उबाल के भी ले सकते हो, तो सूप्स ले सकते हो, एप्पल्स ले सकते हो। ये सारी चीज़ा भी थोड़ी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। इस तो इलावा मैं तुहानू दसना चाहती है कि ये तो हो गया खान पीन दी गल्लां। कुछ चीज़ा ऐसा होंदी है कि जिहड़ी तुहाडी इम्यूनिटी को लोअर डाउन करती है, तुहाडे अंदर रेशा बनाती है। वो चीज़ा सानू नहीं लैनियां चाहिए। हुण समर्स आ गई है, सारे नूं हुंदा पर ठंडा ठंडा पानी पीए, ठंडी ठंडी कोक पीए, बट इन्हां चीज़ां नूं अवॉइड करो क्योंकि ये सारिया जाके अंदर साढ़े रेशा बनाती है। जिहड़ी चीज़ा जिहड़ी चीज़ा थोड़ी इम्यूनिटी को लोअर डाउन करती है, मेक श्योर कि यू अवॉइड दैम। क्योंकि आजकल वैसे भी कोविड-19 करके, कोरोना वायरस करके, ये चीज़ा सानू ओमिट करना, अवॉइड करना टेम्परेरीली इंपॉर्टेंट है ताकि साडी इम्यून सिस्टम स्ट्रोंग रहे। एक खान पीन दी गल्लां हो गईयां। हुण कि तुसीं तुहाडा स्लीपिंग पैटर्न कितना, हुण जे सानू लॉकडाउन आ ही गया है, मतलब ये सिचुएशन तो सानू रब ने रख ही दिता है, तो साडी रिस्पोंसिबिलिटी बनती कि आपां इहदे तो पॉजिटिवनेस किद्दां लैके जानी है, पॉजिटिविटी किद्दां लैके जानी है। लोग कहते कि आपां डिप्रैशन जा रहे हाँ, साडे नाल ये हो रहा है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, बट ये टाइम ठीक है, खराब है, बट ये टाइम तुहानू कदे मिलना नहीं है। तुसीं अपने आप ते इन्वेस्ट करो। सवेरे टाइम नाल उठो, फ्रैश एयर में जाके रनिंग करो, जॉगिंग करो, वॉक करो, टैरेस ते जाके। जिन्नी तुसीं फ्रैश एयर अंदर लैके जाओगे उन्नी जिहड़ा क्लीन जी ऑक्सीजन है थोड़े सारे बॉडी पार्ट्स में अवेलेबल होएगी एंड उन्नी थोड़ा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होएगा उन्ना थोड़ा जिहड़े मूड स्विंग्स है वो घटणगे एंड उन्ना थोड़ा लाइफस्टाइल ठीक होएगा एंड उन्नी ही थोड़ी जिहड़ी बॉडी दी कोई भी डिजीज है वो ठीक होएगी। तो अपना लाइफस्टाइल नू अपने स्लीपिंग पैटर्न नू ठीक करो एंड इस लॉकडाउन विच जिन्ना पॉजिटिव रह सकते हो उन्ना मतलब कोशिश करो ज़्यादा तो ज़्यादा पॉजिटिव रहने की। मेक श्योर कि तुसी ना एक काम कर सकते हो सवेरे उठ के कॉपी लगा लो कि मैं हर रोज़ एक पॉजिटिव थॉट लिखना ही लिखना है एंड उन्होंने फॉलो भी करना। ऐसा की होएगा कि तुसी इन्ने पॉजिटिव थॉट्स अपने अंदर कलैक्ट कर लोगे कि तुहानू नैगेटिव सोचण दी लोड़ ही नहीं है। तुसी सोचो कि मैनू इहदे तो की फायदा हो सकता है, मैं किदा पॉजिटिव रिजल्ट मैं अपने आप कि लै सकता। तो पॉजिटिव रहो, जिन्ना तुम नैगेटिव सोचोगे उहदे नाल की होएगा कि तुहाडे अंदर नैगेटिव हारमोन्स रिलीज होणगे, वो बहुत मतलब जिवें कहंदे ने टॉक्सिन्स रिलीज होंदे उदा रिलीज होंदे एंड वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते तुहाडी बॉडी नू, तुहाडी इम्यूनिटी नू, तुहाडे ओवरऑल हैल्थ नू बहुत इफेक्ट करते हैं, तुहानू एजिंग वाल लैके जाते हैं। तो जिन्ना तुसी हसोगे, जिन्ना खुश रहोगे, जिन्ना पॉजिटिव रहोगे उन्ना तुहाडा ब्रेन है वो पॉजिटिव हारमोन्स रिलीज करेगा एंड उहदे नाल की होएगा तुहाडी बॉडी खुश रहेगी, तुसी हेल्दी रहोगे। एंड लॉकडाउन का पीरियड है, मैं तुहानू सारिआं नू कहा कि तुसी अपने आप नू टाइम दो, मैडिटेट करो, रब वल ध्यान लगाओ। जिन्होंने बहुत सारे मैं न्यूज़ पढ़ते बहुत सारे मैसेजेस आते बहुत लोगों डिप्रैशन हो रहा है लॉकडाउन की वजह तो, वो अपने पुराने फ्रेंड्स नू कॉल करन ते उन्हां नाल अपनी पुरानी हैप्पी मैमरीज जिन्होंने मैमरीज कहते उन्हां नाल शेयर करन, क्योंकि ऐसा की होएगा कि जब तुसी उन्हां नाल गल करदे तो थोड़ा मन हल्का होएगा। सैकेंडली जब तुसी अपनी पुरानियां खुशी वाली यादां नू याद करते हो उहदे नाल हैप्पी हारमोन्स रिलीज होंदे तुहाडी बॉडी के अंदर। तो मेक श्योर उन्हां नाल ही गल करो जिहड़े तुहानू खुशी दिंदे, जिहड़े तुहानू पॉजिटिव लगदे ते तुहानू पॉजिटिव रखदे। अपना आला दुआला साफ रखो किद्दां पॉजिटिव लोकां दे विच रह के, कुछ नैगेटिव ना सुनो क्योंकि एक नैगेटिव थॉट ना तुहाडी लाइफ खराब कर सकदा, तुहाडी फैमिली की लाइफ खराब कर सकदा। अपने आस पास के लोगों को पॉजिटिव रखो, खुद पॉजिटिव रखो। जिवें कहंदे ने एक गंदी मछली पूरे तालाब नू गंदा कर देती, उदा एक नैगेटिव थॉट कैन डिस्ट्रॉय योर लाइफ एंड योर फैमिलीज लाइफ। तो ये सारी चीज़ें है जिमें मतलब तुसी खुद अपने हॉबीज वाल ध्यान कर सकते हो। ये सारी चीज़ों अगर तुसी प्रॉपरली फॉलो करोगे तो तुसी इस लॉकडाउन दे विच बहुत कुछ सीख सकते हो, बहुत कुछ अपने आप ते इन्वेस्ट करके एक बेटर एक वर्जन बन सकते हो, इन समाज लिए बहुत कुछ कर सकते हो। तो जिमें सारे कहते हैं इम्यूनिटी में कितना इंक्रीज करिए, हम थोड़े सारे नू पता है कि खान पीन ठीक रखो, अपना अपना लाइफस्टाइल ठीक रखो, पॉजिटिव रहो, अपने रब नू याद करो, जिन्ना मेडिटेट कर सकते करो, अपने आप नू टाइम दो। ये टाइम कदे नहीं वापस आना, तो मेक श्योर तुसी अपने आप नू टाइम दे रहे हो, अपने हॉबीज वाल टाइम दे रहे हो एंड ये सारी चीज़ों नाल तुसी अपना लॉकडाउन बहुत वधिया तरीके नाल स्पेंड कर सकते हो एंड इस चीज़ तो असी बाहर आ सकते कट्ठे रल के। एंड मेरी तुहाडे सारिआं नू रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जिहड़े भी गवर्नमेंट वालों रूल्स आ रहे हैं, रेगुलेशनस आ रहे हैं, प्लीज़ उन्हां नू फॉलो करो। अज भी लोकी बाहर सड़कां ते घूम रहे हैं, लॉकडाउन नू प्रॉपरली फॉलो नहीं कर रहे हैं, उन्हां दी कुछ थोड़े लोगों की गलतियां करके असीं सारे जिन्हें सफर करांगे। सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरी वन ऑफ यू कि बी होम, स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद योर फैमिली एंड बी पॉजिटिव। ये वक्त माड़ा है पर सानू कुछ सिखाने लिए आया है तो असीं इहदे तो कुछ सीखे ही जाना है एंड सारे ने वधिया चीज़ां अडोप्ट करके जानी है जिहड़ी साडी समाज विच नैगेटिविटी आ चुकी सीगी। एक कलयुग जिन्हों कहते हैं भज दौड़ आ चुकी सी, जो साडा प्यार कटता जा रहा सीगा, वो चीज़ों तुसी दोबारा लेके आओ। ये सारी चीज़ों अपने दिमाग तो कढ़ के प्यार लेके आओ, प्यार सारी जगह वंडोगे तभी सारा समाज जरा साडा सोना होएगा। तो मैं लास्ट से बीइंग अ डेंटिस्ट आई वॉन्ट टू कन्वे फ्यू थिंग्स कि जिहड़ी भी साडी बॉडी दियां कोई भी मेडिकल डिजीज, सिस्टैमिक डिजीज जिन्होंने कहते हो स्टार्ट होंदी है, वो ओरल कैविटी तो स्टार्ट होंदी है, मूँह तो स्टार्ट होंदी है। तो जे आप अपना मूँह साफ रखांगे तो साडी जिहड़ी बॉडी है वो साफ रहेगी। मूँह विच कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होई कुछ भी अपना मूँह आपां गंदा रखिया ओदे नाल की होएगा वो सारी साढ़े अदर ऑर्गन्स नाल कनैक्टेड हुंदा ते उत्थे तक इन्फेक्शन फैलेगी एंड यू विल अल्टीमेटली हैव सम और दी अदर कोई ना कोई तुहानू बीमारी हो सकती है। ते मतलब मेक श्योर कि तुसी सारे जिने अपना माउथ है वो क्लीन रखो, जब भी खाना खाते हो उस तो बाद माउथ वॉश करो, माउथ रिंस करो, 2 टाइम ब्रश करो, अपना ओरल कैविटी नु हेल्दी रखो एंड अपनी बॉडी नु हेल्दी रखो ते पॉजिटिव रहो, एक दूजे नु एप्रीशिएट करो, उन्हें प्रॉम्प्ट करो कि वो भी कुछ इस क्वारंटाइन टाइम विच अपनी हॉबीज अपनान ते सारे रल मिल के करदे काम करो, क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। मेरा थोड़े सारे नू आही मैसेज है एंड इस तरह तुसी अपनी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करोगे, एक ब्रॉड थिंकिंग जो पॉजिटिव लोग की होंदे हैं उन्हां दी तरह तुसी एक निखर के आओगे बाहर एंड यू विल डेफिनेटली मेक पॉजिटिव यूज ऑफ दिस लॉकडाउन। थैंक यू सो मच एंड आई लाइक टू थैंक मिसिस पंजाब कि जिन्होंने मैनू अज मौका दिता लाइव होने का थोड़े सारे नाल एंड ऐदां ही साडे लाइव सैशन चलते रहेंगे हर रोज़ कोई ना कोई साढ़े मिसिस पंजाब की टीम विचों फाइनलिस्ट या फिर विनरस आन के तुहाडे नाल लाइव सैशनस करेंगे। तुहानू कोई भी टॉपिक अगर अच्छा लगता है कुछ भी तुसी सुनना चाहते हो तो तुसी सानू डीएम कर सकते हो, असीं तुहाडे नवी नवी चीज़ां जरूर लेके आवांगे। थैंक यू।